दाल मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ की दाल के अलावा सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप समझ चुके हैं कि आज का वीडियो दाल मंडी का ही बनने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि दाल मंडी एक ऐसी जगह ही है जहाँ की आप आओगे तो एक नहीं चार चीज़ें लेकर ही जाओगे। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं यहाँ का वीडियो शूट कर ही पाऊंगी, कि मैं बहुत जल्दबाजी में थी, लक्ष्मीकुंड से मैं आई हुई थी और मैं बहुत थक भी गई थी, तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मैं आवाज़ से आपको लगता भी होगा, पर क्या करिए, जगह ही ऐसी कि बिना शूट किए आपका मन मानेगा ही नहीं, बिना चार चीज़ें लिए आप इसे जा ही नहीं पाओगे। तो देख सकते हो ऐसी सख्त गलियां हैं, इतनी पतली गलियां हैं और कुछ तो यहाँ के जो दुकान वाले होते हैं गलियों को और सख्त बना रखा हुआ है सब चीज़ों को बाहर लगा लगा करके, है ना। लेकिन इसका ही अपना ही मज़ा है, क्योंकि भाई हमारी जो बनारस की शान इन गलियों से ही होकर गुजरती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, और जो वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी ना वो आपको कहीं और मिलने वाली भी नहीं है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पैसे बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं। देखिए चूड़ियों काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, जो दो चार चीज़ें मैंने यहाँ से ली हुई, मतलब लेने में एक ही चीज़ आई थी पर मैंने यहाँ से चार चीज़ें ले गई। मैं दिखा नहीं पाऊँगी आपको क्योंकि मैंने उनका वीडियो शूट किया ही नहीं कि मैंने क्या लिया, क्योंकि मैं अकेले थी और मैं बहुत थक भी चुकी थी, मुझे बहुत लेट भी हुई थी, लक्ष्मी पूजन मुझे करना था, मुझे लेट भी हो रही थी, तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया मैंने क्या चीज़ लिया, पर मैं आपको दिखाऊँगी कभी बाद फुर्सत में आराम से। तो यहाँ देखिए ये मैं आपको दिखाने पर मार्केट कैसा है यहाँ का, दाल मंडी मार्केट है, शनिवार का दिन है और पटरी बाज़ार तो यहाँ लगता ही लगता है, संडे से तो लगती ही लगती है, पर संडे के अलावा सैटरडे को भी आप यहाँ मार्केट कर सकते हो, वो भी आपको हाफ टाइम में हाफ चीज़ें मिल जाएंगी। क्या बोली मैं, हाफ टाइम को हाफ चीज़ें कुछ भी नहीं, नहीं यहाँ आप हर चीज़ें ले सकते हो और सब दिन ले सकते हो, संडे के दिन वहाँ पर सेल लगी रहती है बस। सॉरी फ्रेंड्स, मतलब क्या यार कुछ भी थोड़ा सा हंसने चलता है, आपसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, आप तो मेरे व्यूअर्स हो। सो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं, बस हंसी मजाक को विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दाल मंडी आपको मैं एक्सप्लोर करा रही हूँ, दाल मंडी देखिए यहाँ पर, देखिए मोहम्मदन कितनी प्यारी प्यारी, यहाँ जो मुस्लिम औरतें होती हैं ना कितनी गोई चिट्टी होती है ना, वाह बुरखी में मन होता है किसी को झाँक कर देखा जाए, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ गारमेंट्स के कलेक्शन एक से बढ़कर एक है, छोटे छोटे बच्चों के फ्रॉक्स हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे यहाँ पर, और यहाँ पर खाने पीने की आइटम बेहतरीन मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं और पूरा मार्केट एक्सप्लोर करा रहे हैं, देखिए यहाँ पर नॉनवेज मिल रहा है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, सो सही बाबा माफ़ करो। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लटकन झटकन जो मिलते हैं ब्लाउज लगाने वाले वो भी गोटा लेस ही मिल जाएंगी आपको, तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से, यहाँ जो प्राइस मिलेंगी जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको बड़े बड़े दुकान पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, आप खोजते कुछ तक जाओगे पर आपको वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिलने वाली, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो आगे जितना बढ़िएगा उतने ही आपको कलेक्शन अच्छे से अच्छे मिलते जाएंगे। जब यहाँ पे मैं आती हूँ वीडियो बनाने के लिए या वैसे भी आती हूँ रैंडम में, अगर मैं आना होता है मैं कभी भी, तो मैं देखती हूँ कि इसे अगल बगल के लोगों से देखते रहते हैं कि वीडियो शूट हो रहा है क्या, तो सोचते हैं कि ऐसे दुकान बुलाया जाए अपने बात करने के लिए। मुझे दो तीन आवाज़ पीछे से आई कि आई मैम थोड़ा दुकान एक्सप्लोर करिए समय नहीं है, हमने कहा नहीं बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं, मुझे बहुत जल्दबाजी हो रही थी, मैंने उनका दुकान किसी एक्सप्लोर भी नहीं किया जा करके कि दुकान के अंदर चीज़ें क्या क्या हैं। परसों सारे कभी और जाऊँगी वीडियो शूट करूँगी उन लोगों का भी और आपको अच्छे से वीडियो बनाकर दिखाऊँगी भी, ये तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए कि मार्केट कैसी होती है दाल मंडी की, थोड़ा सा आप देख लीजिए कुछ नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं, क्योंकि भाई भाई बहुत फेमस मोहल्ला है। और वाह ये देखिए फ्रेंड्स क्या कलेक्शन है भाई, येलो वाला मतलब गजब कलर, एकदम जान मारने वाला ये ड्रेस मुझे लगता है येलो कलर, और मेरा बहुत मन होता है कि मुझे कोई येलो कलर कपड़ा गिफ्ट कर दे, वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे अब हर चीज़ सोच तो होता नहीं है ना, कुछ कर्म भी करने पड़ते, कर्म करते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो ये से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल के एक्सेसरीज़ बहुत ही मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे आपके ग्लास मिल जाएंगे, आपके मोबाइल के टेम्पलेट्स बैक कवर्स, है ना, मोबाइल की रिपेयरिंग भी आपको इसी मार्केट में हो जाएगी, न्यू फ़ोन भी आप यहीं से ले सकते हो, ये बहुत बढ़िया मार्केट है जहाँ से आपको बिल्कुल अलग अलग आइटम पूरे मोबाइल के सारे ही आपको पार्ट्स यहाँ मिल जाने वाले हैं, साथ में यहाँ पर रिपेयरिंग भी हो जाएगी, यहाँ पर मोबाइल को आप परचेस भी कर सकते हो, अपने मोबाइल को यहाँ पर सेल भी कर सकते हो, सब चीज़ें भी आपको यहीं पर करनी है। इस मोबाइल की बहुत बड़ी दुकानें आपको यहाँ मिलने वाली हैं और बहुत ही बढ़िया दुकानें हैं। और जब मैं शूट करने में तब मैंने मोबाइल से हाथ पे लिया जो शूट करी थी, तो दुकान वाले भैया ने कहा थोड़ा मैम अंदर आओ, अंदर कच्चे शूट करो, मैं दुकान थोड़ा एक्सप्लोर कराओ, मैंने कहा नहीं भैया आज बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास, सो सॉरी मैं कभी आराम से आऊँगी बहुत अच्छे से शूट करूँगी पर आज नहीं, आज मुझे क्षमा करिएगा। तो इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई,
मैं भी दिखाती हूँ आपको कि वो जो भैया आते हैं मोबाइल वाले वो कौन से, बहुत ध्यान से मुझे देख रहे थे। मैं मोबाइल लेकर लेकर उसको पता होता है ना कि भाई ये वीडियो शूट कर रही हैं, तो हमें दुकान वुकान भी दिखा दें, पर आज तो बिल्कुल टाइम नहीं था। मुझे लक्ष्मी पूजन भी करना था, मुझे लेट भी काफ़ी हो रहा था। मैंने कहा बस मेरी तबीयत तो कुछ ठीक आजकल चल नहीं रही है, पता ही होगा आपको जो आजकल चला हुआ है वायरल फीवर हो गया है और जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो आजकल सब घर घर की कहानी हो चुकी है। देखिए ये भैया थे जिन्होंने मुझे डोर रोक टोक लगाई थी कि क्या करे मैम, वीडियो शूट कर रहे हो क्या, आओ तो दुकान के अंदर शूट कर लो मेरे। तो बस इनको मैंने अलविदा किया, टाटा बाय बाय किया और मैं फिर से अपना आगे बढ़ गई। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मुझे दुकानें बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेहतरीन दुकानें मुझे एक दिख रही थी, उनके क्या ही कहने थे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आओगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया दुकानें मिल जाएंगी जिनसे आप सभी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ले सकते हो। नहीं देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारे घर की चीज़ें मिल रही थी, घरेलू आइटम जानते हैं जो हमारी एक हाउस वाइफ होती हैं, लड़कियाँ औरतें होती हैं ना, घर से उनको बहुत प्यार होता है, घर की चीज़ें उनको मिल जाए, साथ में क्रॉकरी सेट मिल जाए तो भाई क्या ही कहने। उनको अपने घर को बहुत अच्छे सजाना होता है और हम जो महिलाएं होती हैं उनको अपने घर से बहुत प्यार होता है, तो वो सब चीज़ें तो उनको घर के लिए चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ बहुत ही बेस्ट कलेक्शन मिल जाएंगे आपको अपने घर के लिए क्रॉकरी सेट, और साथ में यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया बढ़िया बैक कवर मिल रहे हैं लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए। मैं थोड़ा सा इसका वीडियो अच्छे से बनाते हैं, दिखाते हैं कि भाई मार्केट में कितने बढ़िया बढ़िया से बैक कवर आ चुके हैं बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन के, जो कि आप यहाँ दाल मंडे से परचेस कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, देख सकते हैं आगे रास्ते और पतले होते जा रहे हैं और पतले होते जा रहे हैं, और यहाँ पर भी दुकानें दो चार ठो आपको क्रॉकरी सेट की मिल जाएंगी, बर्तन की मिल जाएंगी, कुछ फुटकर दुकानें मिल जाएंगी नमकीन मीठा की, तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ यहीं पर मिलने वाली हैं। सो बस इतना ही तक था आज का वीडियो, इस वीडियो को यहीं पर अब हम एंड करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ।